क्या हुआ? मैडम बाहर आए वरना वो बेचारा मर जाएगा, उसे अस्पताल लेके जाते हैं। मैडम किधर जा रही है? उसे अस्पताल लेके जाना मैडम। सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हो क्यों? भाई वो मेरी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ गया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? भाई मुझे बचा ले, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा अच्छा परेशान ना हो, ये बताओ कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं भाई, मुझे किसी ने। हम पुलिस वाले हैं, जरा बाहर आए, आपसे बात करनी है। अरे तुम तो कह रही थी कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा, ये पुलिस वाले कहां से आ गए? देखें जल्दी दरवाजा खोल दें, हमें सब पता है आपने भी एक बंदे को गाड़ी के नीचे दिया है। अरे भाई ये पुलिस वाले कहां से आ गए, जबकि मुझे किसी ने देखा तक नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि ये यहां कैसे आ गए, पर इतना जरूर पता है कि अगर इन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो सीधा जेल ले जाएंगे। नहीं भाई मुझे जेल नहीं जाना, मुझे प्लीज बचा लें आप। मैं चाहता तो हूँ कि तुम्हें बचा लूं, लेकिन समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। भाई कुछ भी करे लेकिन मुझे जेल जाने से बचा ले प्लीज। जी मालिक, सारा काम हो गया है, अगर आप कहें तो मैं घर जा सकता हूँ। मालिक मैं चला जाऊं। अच्छा तुम मुझसे सुबह 10,000 रुपया मांग रहे थे ना? जी मालिक, वो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी दवाइयाँ लेनी थी। अच्छा तुम अगर मेरा एक काम करो ना तो मैं तुम्हें 10,00,000 रुपये दूंगा। मुझे लगता है ये ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो सर हम ऐसा करते हैं, हम इनके घर की दीवार फलांग जाते हैं। काम? ऐसा कौन सा काम है मालिक जिसके बदले आप मुझे 10,00,000 रुपये देंगे? तुमने बस पुलिस को ये कहना है कि गाड़ी आज तुम चला के गए थे और इसके बदले मैं तुम्हें 10,00,000 रुपये दूंगा। मालिक मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती, मैं ऐसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ओ यार तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती, तुम बस पुलिस को ये बोल देना कि गाड़ी तुम ही चला रहे थे। जी जी ठीक है मालिक, जैसा आपका होगा। देखो अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में, प्लीज तुम मुझे पुलिस वालों से बचा लो प्लीज। अरे मैडम आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं पुलिस को बोल दूंगा कि गाड़ी मैं चला रहा था। देखो तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे। तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वो हम देखो तुम लोगों ने हमारा पहले बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया, अब बस किसी तरह ये बता दो कि तुम तीनों में से गाड़ी कौन चला रहा था। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? वो गाड़ी जिसके साथ तुम में से किसी ने एक गरीब की जान ले ली है। देखो तुम लोग बता रहे हो कि तुम सबको अपने साथ ले चलो। जी जी सर, ये चला रहा था गाड़ी आज। अरे सर आपने मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी नहीं चला रहे थे? सर मुझे बाइक से चलाना आता नहीं है, गाड़ी चलाना खाक आई। अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे तो गाड़ी कौन चला रहा था? मैडम सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, गाड़ी मैं ही चला रही थी, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। अरे मोहतरमा आपने एक शख्स की जान ले ली है, हम भला आपको कैसे माफ कर सकते हैं? सर मेरा हर किस मकसद नहीं था उसको मारने का, आप प्लीज मुझे माफ कर दें भाई। देखिए मोहतरमा मैं तो चाहता हूँ कि आपकी सजा कुछ कम हो जाए, पर आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है। देखिए सर आप कुछ भी करें पर प्लीज मेरी बहन को बचा लें। देखें भाई
अगर आज हमने इनको बचा लिया ना तो ये आदमी तो कल फिर किसी की जान ले लेंगी। नहीं नहीं सर, अब मुझे एक मौका देके देखिए, मैं आज ही अपना लाइसेंस बनवाती हूँ और आज के बाद गाड़ी बगैर लाइसेंस के नहीं चलाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये सब कुछ मैंने ही करवाया है, क्योंकि तुम हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। भाई, मैं अपनी दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है? देखो, आजकल सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है, तुम ऐसा करो अपने साथ ड्राइवर को ले जाओ। अरे भाई, मैं अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को साथ ले जाओ। देखो, तुम गाड़ी ध्यान से नहीं चलाती, ड्राइवर को साथ लेती जाओ। देखो, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि लाइसेंस बनवा लो, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बिल्कुल मैडम, लाइसेंस बनवाने में ना बस आपका ही फायदा है। भाई, वो जो आदमी मेरी गाड़ी के आगे आया था, उसका क्या हुआ? अरे, वो कोई आदमी नहीं था। अब खुद देख लें मैडम, आपका ध्यान ड्राइविंग पे था ही नहीं, इसलिए तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने किस चीज को गाड़ी के नीचे दे दिया है। अगर ये सब कुछ आज मैं तुम्हारे साथ ना करवाता ना, तो एक न एक दिन तुम सचमुच किसी को गाड़ी के नीचे दे के आ जाती। लाइसेंस का आपके पास होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरों के साथ साथ आपकी भी जान बच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।